डिजिटल ऑनलाइन क्लासेज इलेनी बुद्र की तरफ से प्रारंभ की गई है, जो पूरी क्लासेज ऑफलाइन है और ऑफलाइन आकर जुड़कर आप आसानी से पढ़ सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी, सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, मैं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी क्यों करूं? सबसे बड़ा प्रश्न है आपके लिए भी, मेरे लिए भी, क्या सरकारी नौकरी की इतनी कमी आ गई है? जी हाँ, मैं आपको यही बताना चाह रहा था, क्योंकि आप जानते हैं इस सरकार की जो अंतिम वैकेंसी थी वह रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी को मिलाकर लगभग 1.5 लाख की जो ये पद संख्या है, यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब यह अगली सरकार गठित होकर आएगी तो वह पद का सृजन करे, क्योंकि जितने पद खाली थे वो पद भरे जा रहे हैं और ये पद भरने की प्रक्रिया भी 1 साल तक चलेगी लगभग। उसके बाद पद रिक्त होंगे, पद रिक्त बाद पद का सृजन किया जाएगा, फिर उसकी विज्ञप्ति निकाली जाएगी, फिर परीक्षा होगी, मतलब अगली वैकेंसी इस वैकेंसी से कम 3 से 5 साल के बाद ही रेलवे में इतनी बड़ी वैकेंसी आएगी। मतलब अगर इस बार आप नौकरी से चूकते हैं तो अगली बार आपको 3 से 5 साल का एक लंबा अंतराल झेलना पड़ेगा। और अगर इस बार आप सिलेक्ट हो गए, मान लीजिए एनटीपीसी में इस बार आपका चयन हो गया, अगर तनख्वाह 60,000 रुपया भी पर मंथ, 50,000 रुपया भी पर मंथ है आपका TA DA होम अलाउंस मिलाकर, तो 1 साल कितना हुआ, 12,000 6 लाख। 4 साल बाद अगर अगली जॉब लगेगी, 6 से 24 लाख का नुकसान आपका हो चुका रहेगा, प्लस प्रमोशन का। और साथ ही साथ आदमी टूटता जाता है दिन प्रतिदिन, पहली बार में चयनित होना, 4 साल बाद चयनित होना, बहुत बड़ा एक डिफरेंट एक अंतर आ जाता है। इसलिए आप सभी को यदि पढ़ना है तो इस बार अपने जिंदगी का सबसे बेस्ट दीजिए। हम आपके साथ, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। ऑफलाइन क्लासेज ये TD का लेकेट के पास अनुपम रेस्टोरेंट के बगल में वेद कॉन्वेंट स्कूल में ये प्रारंभ की जा रही है, और हम उम्मीद करते हैं अगर आप जौनपुर में हैं तो जौनपुर में मेरे द्वारा सबसे बड़ी पहल है, क्योंकि अभी तक ऑनलाइन डिजिटल क्लास जौनपुर में कहीं नहीं चल रही थी, और मेरा उद्देश्य यही था कि आपके अपने जौनपुर को, क्योंकि शिक्षा का ये गढ़ माना जाता है, इसे सिराज हिंद कहते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे यूट्यूब पे कहीं भी सर्च करेंगे, ये ऐसा जनपद है जहाँ से एक एक घर से 7-7 IAS होते हैं। माधोपट्टी इस कोचिंग संस्था से कुछ दूरी पर है माधोपट्टी नामक ग्राम, जहां IASO का गढ़ कहा जाता है, जो पूरे देश में सेवा प्रदान करते हैं। जब भी IAS या PCS की बड़ी वैकेंसी आती है तो सबसे ज़्यादा पद जौनपुर जनपद का उसमें जरूर रहता है, कोई ना कोई व्यक्ति IAS जरूर जौनपुर से बनता, मतलब जौनपुर का जो अगर हम गांव की बात करें, पूरे जिले की बात करें, जौनपुर का प्रतिनिधित्व हमेशा UPSC और UPPSC में हमेशा हर लोग आयोग चयन सेवा आयोग में फिक्स रहता है। कहने का तात्पर्य है कि यह जौनपुर की जो धरती है शिक्षा के मामले में अभी तक के लिए बेहतर मिसाल है, और यहाँ के अभ्यर्थी आप जानते हैं अन्य राज्यों में और जौनपुर प्रदेश के भी विभिन्न जिलों में अपने अपने सेवाएं अलग अलग विभागों में दे रहे हैं, तो आप अछूते क्यों हैं? यदि आप भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, यदि आपको लगता है मेरे यहाँ आपको बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा, बेहतर मैटर उपलब्ध होगा, आपकी समय की बचत होगी और मैराथन क्लास आपको मिल पाएगी, और सबसे बड़ी प्रैक्टिस सेट जो ऑनलाइन क्लासेज होती हैं, जो डिजिटल क्लास होती है, उसमें फायदा आपको ये होता है कि जो चीज़ें हम 20 मिनट में पढ़ाएंगे वहाँ 5 मिनट से पढ़ के और कई बार रिविजन कर सकते हैं। जैसे मुझे गणित कोई सवाल आपको बोलना है, तो अन्य कोचिंग में क्या होता है, लोग क्वेश्चन बोलते हैं, लड़का लिखता है, फिर उसको सॉल्व कराया जाता है, तो कम से कम एक क्वेश्चन बोलने में 3-3.5 मिनट, सॉल्व करने में 2.5 मिनट, 2 मिनट बताने में 10 से 8 मिनट क्वेश्चन लग जाता है। 40 मिनट की पीरियड में 5 से 10 क्वेश्चन ही बताया जा सकते हैं, लेकिन यहाँ डिजिटल बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे, तुरंत सोल्यूशन मिलेगा, और सबसे बड़ी बात अगर आपने नोट नहीं किया तो उसकी PDF फाइल आपको मिल जाएगी, मतलब आप केवल कॉपी घर से लेकर आना है, बाकी चीज़ें यहाँ पे नोट्स भी मिल रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी व्यवस्था हम करा रहे हैं, जल्दी करा रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर आप जौनपुर से या जौनपुर से आसपास अन्य कैसे किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यदि आपको सरकारी नौकरी क्षेत्र में जाना है तो आपका मेरे यहाँ बेहतर प्लेटफॉर्म है। और अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं, यूट्यूब पर जुड़े हैं तो इलेनी बुद्रगेश, फेसबुक पे इलेनी बुद्रगेश, इंस्टाग्राम पे इलेनी बुद्रगेश, ट्विटर पे इलेनी बुद्रगेश, अनअकैडमी पे इलेनी बुद्रगेश, माने किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप हमें इलेनी बुद्रगेश से सर्च करके, आप हमें सब्सक्राइब करके हमसे जुड़कर आप पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ अभी टेलीग्राम का नहीं लगेगा, टेलीग्राम का भी लग जाएगा, टेलीग्राम में आप बिना स्पेस दिए दुर्गेश्वर सर्च करेंगे, वहाँ भी हम आपको मिल लेंगे, वीडियो लेक्चर नोट्स आपको वहाँ से मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है, तो आप अगर अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, अपने ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो ज़िंदगी मौके कम धोखे ज़्यादा देती है, इसलिए यह मौका अपने हाथ से मत गवाइएगा और प्रयास करिएगा, आप इसी बार आप अंतिम रूप से चयनित हो जाइएगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज रेलवे चलाने में समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि मैं ऑफलाइन ही चला रहा हूँ, ऑफलाइन को ही प्रमोट कर रहा हूँ, ताकि आप लोग जो जौनपुर जनपद के हैं वो तो कम से कम इसका लाभ लें, या अन्य जनपद के लोग जो अगर जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो उनका मोस्ट वेलकम है। अमित सर, हम, RK सर, इन सभी की पूरी टीम, अभी 2 सर और हैं, ये पूरी टीम मिलकर आपको एक बेहतर फैकल्टी जो उपलब्ध करा रहे हैं। मेरा उद्देश्य है कि इस बार आप हर हाल में अंतिम रूप से रेलवे NTPC के लिए जरूर चयनित हो, और CBT फर्स्ट, रेलवे ग्रुप डी, दो ऑप्शन आपके पास है, और इससे बड़ी भर्ती दोबारा भविष्य में 3 से 4 वर्षों के पहले सोचना ही हमारे लिए कल्पनाशील जैसा होता है। इसलिए आप कहीं भी पढ़े, चाहे जहाँ पढ़े,
लेकिन इस बार आप अपने जिंदगी का सबसे बेहतर दिन, रही बात त्यौहार आएंगे त्यौहार जाएंगे, आईपीएल जैसे मैच होंगे और जाएंगे, आप इस समय दुनिया हमने देखा सबसे ज़्यादा लोग ड्रीम्स इलेवन में लगे हुए, आपको ये नहीं पता आपका समय बहुत ही कीमती बहुत बहुमूल्य है। ये ड्रीम्स इलेवन में कितना मिलेगा, 20-25-50, वो खेलने की उम्र तब होगी जब आपके पास एक अच्छी नौकरी होती है। वो टाइम बर्बाद करने का एक जरिया है, एक अच्छे अभ्यर्थी को गुमराह करने का अच्छा तरीका है, क्योंकि अंतिम रूप से चयनित वही होंगे 1,50,000, बाकी चयनित नहीं। फॉर्म पढ़ने के 1.5 करोड़ पढ़ते हैं, लेकिन सभी चयनित होते हैं क्या? जो फॉर्म भरते हैं सभी चयनित होते हैं नहीं, जो पढ़ते हैं। तो ड्रीम्स इलेवन जो 3-3 घंटे 4-4 घंटे उसमें समय देते हैं, आईपीएल में समय देते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी करें, मुझे आपको बोलने का अधिकार नहीं। ये मेरा स्वतंत्र विचार है कि इस समय आप अपनी जिंदगी का बेहतर दें, क्योंकि एक बार आप सफल हो जाने के बाद आप कुछ भी करें आपके लिए सब बेहतर है। लेकिन इस समय आपको बस एक ही सूत्र कार्यक्रम होना चाहिए, आपको अपना सेल्वस अकॉर्डिंग टू आयोग, चाहे वो एनसीईआरटी हो या सॉरी आपके रेलवे का हो, इसलिए सीटेट यूपीटेट सुपरटेट की मैंने कंबाइंड बैच शुरू की, बस मेरा उद्देश्य यही था ताकि आप भविष्य में ऐसा ना हो कि पता सफलता का पैमाना क्या है, ये नहीं ज़्यादा पढ़ना, फायदा रेगुलरिटी ये सबसे बड़ा मायने रखती है। तो अगर आपको लगता है आप जौनपुर जनपद में रहकर अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप आइए हमारे संस्था पे, आपका मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। अगर आपको लगता है यह संस्था आपके लिए बेहतर है या आपके लिए नौकरी के दरवाजे खोल सकती है तो आपका मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। और अपने साथियों को पहुँचाइएगा, आप इस वीडियो लिंक को अपने सभी साथियों तक जरूर शेयर करिएगा, वैसे आपकी इच्छा शेयर करें या ना करें आप, लेकिन एक बार है आप पढ़ना जरूर शुरू करिएगा, क्योंकि यह मौके आप नसीब के बहुत धनी है, यह मौके आपके दरवाजे पाकर खड़ी है, इसलिए इससे दरवाजा खोलिए और उसे अपने घर में प्रवेश दीजिए और अपने जिंदगी का बेहतर दीजिए, हर सुख सुविधा इस समय त्याग दीजिए, इस समय शादियों का बाहर है, गर्मी है, सब कुछ छोड़ दीजिए, बस और बस आप अपनी जिंदगी का बेहतर दीजिए। जब तक बेहतर देंगे सफलता झकमार कर आपके पीछे आएगी। और मोबाइल नंबर अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो 6306344367 पर आप संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस अनअकैडमी पे इलेनी मित्रगेस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे सीटेट यूपीटेट सुपरटेट की बैचेज आपको मिलेंगी। यहाँ पे केवल एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी कंबाइंड बैचेज चल रही है, यदि आपको लगता है आप रेलवे में जाकर अपना सपना साकार कर सकते हैं तो आप जरूर एक बार मौका दीजिएगा। इसी के साथ आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप पढ़ते रहिएगा, जिंदगी का बेस्ट दीजिएगा, हर साल आईपीएल होंगे और हर 4 साल में विश्व कप होंगे, हम विश्व कप और आईपीएल का मजा तब लेंगे जब अंतिम रूप से चयनित हो जाएंगे। और आप भी यह प्रण लीजिएगा और अपने आप से, क्योंकि ये मुझसे नहीं अपने आप से, और अपने जिंदगी का बेहतर देना शुरू करिए, सफलता झकमार के एक दिन आपके कदमों में सीट जरूर नवाएगी। जय हिंद जय भारत।